हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है कढ़ाई में बनने वाले पिज्जा की। पिज्जा तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर पिज्जा इतना चीजी हो तो बात ही अलग है। और आज हम पिज्जा बनाएंगे बिना ईस्ट बिना ओवन के, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए कढ़ाई में कितने अच्छे से पिज्जा बेक हुआ है। पिज्जा बनाने के लिए हम 250 ग्राम मैदा लेंगे और उसे बड़ी परात में डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो वो डाल लीजिए, उससे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोला जाता है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा का डबल बेकिंग पाउडर भी डाल लेंगे। ये आपको इस तरह की डब्बियों में आसानी से मिल जाएगा। हमें अब इन सब चीज़ों को मिला लेना है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे और इसका डो बनाएंगे। हम इसमें थोड़ी थोड़ी दही डालकर मिलाएंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा दही डाल देंगे तो डो ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि डो ज़्यादा पतला हो गया और आपके हाथों पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा मैदा और डाल लेना। हमें इसे 5 मिनट तक लगातार गूंथते रहना है। डो जब इस तरह का तैयार हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। हमें इसे 2 मिनट तक नीड करते हुए रिफाइंड ऑयल को मिलाना है। डो तैयार हो चुका है, अब हम इसको इस तरह से लंबा बना लेंगे। अब हम इसका 1/3 हिस्सा तोड़ लेंगे और इन दोनों की लोई बना लेंगे। हम थोड़ा सा सूखा मैदा रखकर छोटी वाली लोई को रोटी की तरह बेल लेंगे। सूखा मैदा लगाने से रोटी चिपकेगी नहीं और आसानी से बन जाएगी। हमें रोटी को ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। हमें इस तरह की रोटी तैयार करनी है। अब हम इस रोटी को हल्का सा सेक लेंगे। हमें रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना, हमें रोटी को हल्का कच्चा ही रखना है। जैसे ही रोटी में बबल्स आने लग जाएं हम इसे पलट लेंगे। और हल्का सा दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हमें रोटी को बस इस तरह का तैयार करना है। हम पिज्जा कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कढ़ाई में नमक डाल लेंगे और नमक को इस तरह से फैला लेंगे। कढ़ाई बड़ी और मोटी तली वाली ही लेनी है। अब हम इसमें इस तरह स्टैंड लगा लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं। अब हम कढ़ाई के ऊपर कोई भी परात या थाली ढककर रख देंगे और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बड़ी वाली लोई की भी रोटी तैयार कर लेंगे। हमें इस रोटी को पहले वाली रोटी से हल्का सा लंबा बनाना है। इस रोटी को भी हम सूखा मैदा रखकर लंबा बना लेंगे। हमें इस रोटी को पहले वाली रोटी से 2 इंच लंबा बनाना है। हमने रोटी को परफेक्टली बेल लिया है। अब हम बड़ी थाली या प्लेट ले लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह पर बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने प्लेट में ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसमें बड़ी वाली रोटी रख लेंगे। अब हम इसमें मोजरेला चीज़ रख लेंगे। हमें चीज़ इसकी किनारियों पर नहीं रखनी, नहीं तो चीज़ बाहर निकल जाएगी। अब हम कांटे से इस तरह से इसमें छेद बना लेंगे। अगर हम इसमें छेद नहीं बनाएंगे तो पिज़्ज़ा रोटी की तरह फूल जाएगा और पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए छेद बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम छोटी वाली रोटी को इसके बीच में रख लेंगे और बड़ी रोटी की किनारियों पर पानी लगाकर इसे चिपका लेंगे। पानी लगाने से रोटी अच्छी तरह से चिपक जाएगी और चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। हम इस तरह से इन्हें चिपका लेंगे।
अब हम इसमें कांटे से छेद कर देंगे। कांटे से छेद नहीं करेंगे तो ये रोटी फूल जाएगी और फट जाएगी। इसकी किनारियों पर भी अच्छी तरह से छेद करने हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चम्मच से फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे वीबा ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस यूज किया है। अब हम इसे इस तरह से चम्मच से फैला लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी भी लगा लेंगे और इसे भी फैला लेंगे। इसे भी इस तरह से चम्मच से फैला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच केचप के डाल लेंगे और इसे भी चम्मच से फैला लेंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो सॉस मत डालिए। मुझे तो पिज़्ज़ा का खट्टा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने केचप डाला है। अब हम इसके ऊपर भी मोजरेला चीज़ डाल लेंगे। अब चीज़ी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ की कंजूसी तो नहीं चलेगी। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग्स रखेंगे। ये मीडियम कटी हुई हरी शिमला मिर्च ली है मैंने। हम इस तरह से इसके ऊपर सजा लेंगे। हरी शिमला मिर्च को हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब हम लाल शिमला मिर्च भी इसके ऊपर रख लेंगे। और इस तरह से हम बीच में भी इसकी हरी शिमला मिर्च रख लेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज भी इसके ऊपर डाल लेंगे। थोड़े से फ्रोजन कॉर्न्स भी इसके ऊपर डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें आपकी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज और डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। यह आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम ऑयल से इसकी किनारियों को ग्रीस कर लेंगे ताकि किनारी अच्छी तरह से सिक जाए। आप चाहे तो ऑयल की जगह पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। हमें इसे बड़ी सावधानी से रखना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। आप चाहे तो यहाँ पर किसी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेंगे। अरे वाह, पिज़्ज़ा तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा कि इसे हमने कढ़ाई में बनाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हम इसे बहुत सावधानी से निकालेंगे क्योंकि इस वक्त कढ़ाई का टेम्परेचर बहुत हाई है। ये देखिए साइडों में से पिज़्ज़ा कितनी अच्छी तरह से पका है। और नीचे से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई डिशेज की रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।